इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का रोचक सफर जारी है, जहां इस सीजन के 24वें मैच में राजस्थान को हाई वोल्टेज रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने 30 विकेट से हराकर इस सीजन की पहली हार थमा दी है। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान में पहले बैटिंग की, जहां उन्होंने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने अंतिम बॉल तक चले रोमांचक मैच में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करनी पड़ी। रॉयल्स के लिए एक बार फिर से यंग स्टार यशस्वी जायसवाल कुछ खास नहीं कर सके और 24 रन ही बना सके। इसके बाद पिछले मैच के सेंचुरियन जोस बटलर भी सस्ते में चलते बने। इसके बाद संजू सैमसन रियान पराग ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। रियान पराग और संजू ने तीसरे विकेट के लिए 130 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप करके अपनी टीम के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया। रियान पराग ने 48 बॉल में 3 चौके और 5 छक्कों से 76 रनों की इनिंग खेली, तो वहीं कैप्टन संजू सैमसन ने 38 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों से नॉट आउट 68 रन की इनिंग खेली, जिसकी वजह से राजस्थान ने 3 विकेट पर 196 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने 197 रनों के बड़े टारगेट के सामने खेलने उतरी, जिसे उनके लिए साई सुदर्शन और कैप्टन शुभमन गिल ने 64 रन का अच्छा स्टार्ट दिया। लेकिन कुलदीप सेन ने गुजरात को जबरदस्त झटके दिए और 15 रन के अंदर 3 विकेट लेकर 79 रन पर 3 विकेट गिरा दिए। इसके बाद गिल और विजय शंकर ने टीम को 100 के पार पहुंचाया। इसके बाद शुभमन गिल 44 बार में 72 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें गुजरात की राह मुश्किल होगी। लेकिन राशिद खान और राहुल तेवतिया ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए अपनी टीम को लास्ट बॉल पर रोमांचक जीत दिला दी। राशिद खान ने 11 बॉल में 24 और राहुल ने 11 बॉल में 22 रन की पारी खेली। इस सांसें रोक देने वाले मैच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर शेयर करें।